नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुहाना गुप्ता, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, नियो क्लिनिक चिल्ड्रन हॉस्पिटल जयपुर। डियर पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे बच्चों में कोरोना का घर पर रहते हुए बच्चों में कोरोना का इलाज एवं उसकी मॉनिटरिंग कैसे करें। अगर आपके बच्चे, आपके घर में कोई कोरोना का मरीज है एवं बच्चों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो भी आप कोरोना के लक्षणों के लिए उसको मॉनिटरिंग करें। आप अपना एक चार्ट बनाएं। अगर आपके बच्चे में किसी भी समय कोई भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि उसको खांसी, जुकाम, बुखार होना, शरीर में दर्द होना, सुगंध नहीं आना, टेस्ट उसका ख़राब हो जाना, बच्चे के हो सकता है कुछ बच्चे दस्ते उल्टी करके भी कोविड डिजीज़ को प्रेजेंट करते हैं, पेट दर्द होना, सर दर्द होना, किसी भी तरह के सिम्टम्स आप नोट करते हैं, तो आप तुरंत अपने बच्चों की डॉक्टर से सलाह लें। उनकी सलाह पर आप घर पे बच्चे के टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करें। उसके लिए आप एक मॉनिटरिंग चार्ट बना सकते हैं, जिसमें आप बच्चे का टेम्परेचर चार्ट कर सकते हैं। 100 से ऊपर जाता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से उसको घर पे पैरासीटामोल सिरप दे सकते हैं। एंड बाकी अगर और कोई सिम्टम्स है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दें। एक अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर आप घर में खरीद के रखें, 6-6 घंटे से बच्चे का SpO2 मॉनिटर चेक करें, और किसी भी समय पर अगर उसका SpO2 95% से कम आता है तो तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाएं। साथ में बच्चे को प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स दें, उसका खान पान अच्छा रखें, उसे एकदम सिंपल सादा खाना दें। एंड बच्चे के यूरिन पे मॉनिटरिंग करें, बच्चा अच्छे से यूरिन जा रहा हो, बच्चा एक्टिव हो, सुस्त नहीं हो, एंड बच्चे की सांस की गति तेज नहीं हो, बच्चे के छाती में खड्डे नहीं पड़ रहे हो, मतलब बच्चे को सांस लेने में कठिनाई नहीं हो। अगर अब मैं आपको बताना चाहूँगी, इस तरह से घर पर आप बच्चे की कोरोना, माइल्ड कोरोना सिम्टोमेटिक होते हुए बच्चे की आप घर पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अगर आपका बच्चे को माइल्ड सिम्टम्स है तो। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके बच्चे में कौन से गंभीर लक्षण होते हैं, जिस स्थिति में आपको तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा खान पान नहीं ले रहा हो, सुस्त हो, मुँह से नहीं खा रहा हो, उसका बुखार 3 दिन से लगातार तेज बुखार आ रहा हो, उसके हाथ पैरों में चकते हो एवं बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो, तो इस अवस्था में आप उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराएं। हो सकता है आपका बच्चा गंभीर कोविड डिजीज से ग्रसित हो। धन्यवाद। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मेरे नीचे दिए गए ईमेल पे आप मेल कर सकते हैं। आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा।